अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज माह रमज़ान जो है वो शुरू भी हो चुका है और आज 6 रोज़े जो है वो हुई हैं और यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर ड्रीम्स कॉम्प्लेक्स की जो मार्केट है यहाँ पर जो मार्केट वाले हैं आज इफ्तारी का जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं और आप देख सकते हो इसमें पल्स जिम के भी जो मालिक है वो भी शामिल है और जो यहाँ के आसपास के दुकानदार हैं वो भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हो राजू मिंटू साहब, इनका असली नाम मंजूर साहब मिंटू है लेकिन इनको राजू मिंटू के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ के एक लीडिंग बिजनेसमैन है और ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्केट के लोगों ने किया है और आज जो यहाँ पर जो है इफ्तारी के लिए जो है वो इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। मेरी इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील है कि वो यहाँ पर आएँ और इफ्तारी करें, ख़ास तौर पर जो बस स्टैंड के और आसपास के इलाके से में जो मुसाफिर लोग होते हैं या जो सफ़र पर हैं उनके लिए जो है ये इंतज़ाम किया गया है। और मैं ये बता दूँ कि जो मुसाफिर है उसकी कोई कैटेगरी नहीं है कि वो अमीर है या गरीब है, उसके लिए जो है ये चीज़ें जो है वो जायज़ हैं, वो आकर जो है यहाँ पर इफ्तार कर सकते हैं। हमने जो है ये बताया गया कि ये सब लोगों के लिए बनाया गया, जिसको जो भी आए उसके लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो आकर जो है इफ्तारी कर सकता है। आप देख सकते हो खुर्शीद साहब गिलकार यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर जो आसाइश के लिए जो है वो मटन कांति जो है वो बनाई जा रही है, तकरीबन 150 के करीब लोगों का जो है वो इंतज़ाम होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लगे हैं, अभी तैयारी जो है वो चल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये इस वक्त हम ड्रीम्स कॉम्प्लेक्स में हैं, यहाँ की जो मार्केट है उन्होंने जो है वो इंतज़ाम किए हैं यहाँ पर मिलकर। ये देख लीजिए आप, यहाँ जो इस वक्त हम जो है वो मार्केट में हैं। अच्छी बात है, इस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए। ये एक कलेक्टिव सोसाइटी से जो है वो एक मैसेज जाता है कि किस तरह से माह रमज़ान में जो है वो सब लोग जो है वो जुड़ जाते हैं, इसलिए जो है वो यहाँ पर भी जो इंतज़ाम हो रहे हैं। और आज संडे भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो जो नौजवान हमारे हैं उनको इस तरह के चीज़ों के लिए डेडिकेशन है। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उनमें भी जो है वो ये एक चीज़ आती है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज ये मार्केट वाले करें, कल दूसरी मार्केट वाले करें, फिर कल तीसरी मार्केट वाले करें, इस तरह से जो है वो ये एक चेन ऑफ साइकिल जब चले और जो लोग यहाँ पर आते हैं, ख़ासतौर पर जो सफ़र के लिए लोग होते हैं, जो बस स्टैंड में होते हैं या हॉस्पिटलों में आते हैं, वो लोग जो है वो इन जगहों पर जाकर जो है वो इफ्तार जो है वो कर सकते हैं और उससे जो है वो एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो एक शो होती है। और मैं बाकी लोगों से भी और बाकी मार्केट वालों से भी अपील करूंगा कि वो भी इस तरह के इंतज़ाम जो है वो कम से कम एक बार जो है वो करें, क्योंकि अभी आगे चलकर जो है वो अभी तकरीबन 23-24 के करीब दिन जो है माह रमज़ान के जो है वो बकाया है, तो हमें मौले वाइज भी इस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए ताकि जो यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से लोग हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, जो सफ़र में हैं, उन वो जो है वो इफ्तार कर सके या सेरी जो है वो खा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।